भाई और बहनों, मुझे बताओ, तीन तलाक हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलो माताओं बहनों, बोलो हटाना चाहिए था या नहीं हटाना था? ममता दीदी नहीं चाहती, तीन तलाक हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन तलाक को समाप्त करकर मुस्लिम बहनों के साथ न्याय करने का काम किया है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। भाई और बहनों, वो तो छोड़िए, वो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, ऊपर तस्वीर थाईलैंड की लगाते हैं। पूरे भारत में एक भी तस्वीर नहीं मिलती, थाईलैंड की तस्वीर लगाते हैं। मगर क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि राहुल बाबा बार बार वहां वैकेशन करने के लिए चले जाते हैं, वैकेशन करने। भाई और बहनों, ये पार्टियों का हमारे साथ, देश के साथ, देश के गरीबों के साथ, देश की जनता के साथ कोई सरोकार। और मैं आज बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार आया हूं। मैं बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। हमने एक कानून पारित किया है सीए का, ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर, ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीएए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार का कानून है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। और ममता दीदी, आपको जितना विरोध करना हो करो, हम जितने भी हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे, ये हमारा वादा। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू सिख बौद्ध शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो? एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए उनको गुमराह करें। दीदी आपकी दाल नहीं गलने वाली, मोदी जी ने रूल्स नोटिफाइड कर दिए हैं, बंगाल के सारे शरणार्थी भय मुक्त होकर अप्लाई करें। आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा है, आपका अधिकार इतना है। सभी लोगों ने अप्लाई करना चाहिए।